नमस्कार दोस्तों, संध्या बेस किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारी नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम सिंघाड़े का हलवा बनाएंगे, जिसके लिए हमने सामग्री ली है 3 चम्मच सिंघाड़े का आटा लिया है। उतना ही शुगर होती है, क्योंकि सिंघाड़े का आटा फूलता है तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उतनी ही शुगर लेनी चाहिए। तो 3 चम्मच शुगर भी ली है। थोड़ी सी नारियल, घी, बादाम, पिस्ता और काजू। गैस पे पैन रख दिया है, गैस को जला दिया है तेज फ्लेम में, और 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, इसमें डालेंगे सिंघाड़े का आटा और इसे अच्छे से भून लेंगे। ये बढ़िया अच्छी खुशबू आ रही है और गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ऐसे अच्छे से चला देंगे। अब यहीं पे डालेंगे शुगर। अब इसी स्टेज पे डालेंगे हम नारियल, और इसे भी अच्छे से मिला देंगे। और अब डालेंगे बादाम, पिस्ता और काजू, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से चला देंगे। अब थोड़ा सा इसे गाढ़ा होने देंगे। बहुत जल्दी बन जाता है ये हलवा, थोड़ी देरी से और चलाएंगे ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसकी बर्फी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं और लड्डू भी सिंघाड़े के आटे के शेयर कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल में जा करके उसे आप देख सकते हैं। मध्य आंच पे ही सेका है और अभी भी आंच को मध्य ही रखा है, और पानी डालते समय बिल्कुल स्लो ही गैस को होनी चाहिए, नहीं तो तेज होगी तो इसमें गुठलियां बहुत जल्दी बन जाती हैं। ये देखिए, ये हमारा हलवा बन करके तैयार हो गया है। चलिए हम चलते हैं प्लेटिंग की।